सेठ हजारी लाल और सेठ छदामी लाल दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे। खूब बनती थी दोनों में, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाली प्रवृत्ति के इंसान थे दोनों। उन्हें नौकर की ज़रूरत थी तो नौकर रख लिया, पर कम पगार लेने वाला नौकर रखा। नौकरों में जितनी बुद्धि थी उसी के अनुरूप काम करते थे दोनों। नौकर हर बार गलती करते थे और सेठ जी उन्हें हर बार जलीकट्टी सुना देते थे, मगर नौकरों पर इसका कोई असर नहीं होता था। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि सेठ जी उनका अपमान कर रहे हैं या सम्मान। कम पगार पाने वालों से बुद्धिमत्ता की उम्मीद करना बेमानी है। सर्दियों में एक दिन दोनों सेठ एक पार्क में बैठकर गप्पे लड़ा रहे थे। सेठ हजारी लाल बोले, यार वैसे तो ज़िंदगी बढ़िया कट रही है, पर मैं अपने नौकर भोला से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हो गया भोला को? हुआ कुछ नहीं यार, वह मूर्ख है, बस यही परेशानी है। बस इतनी सी बात, मेरा नौकर मुंगेरी तो महामूर्ख है। अरे ऐसा है क्या? चलो दोनों की परीक्षा लेते हैं कि मूर्ख कौन है और कौन महामूर्ख, हजारी लाल ने कहा और अपने नौकर भोला को इशारे से बुलाया। भोला सेठ हजारी लाल की सेवा में हाजिर हो गया। सेठ ने उसे 10 रुपये का नोट पकड़ा कर कहा, ले भोला 10 का नोट ले जा और एक मोबाइल लिया। भोला 10 का नोट लेकर जो हुक्म कहकर चला गया। सेठ हजारी लाल ने सेठ छदामी लाल से कहा, देखा कितना बड़ा महामूर्ख है ये भोला, 10 रुपये में कोई मोबाइल आता है क्या? कहाँ से लाएगा ये मोबाइल, बाजार का चक्कर काट कर आ जाएगा और क्या करेगा। वास्तव में सही कहते हो सेठ जी, भोला तो वास्तव में नीरा मूर्ख है, पर मेरी नौकर मुंगेरी की मूर्खता भी एक बार देख लो, फिर तय करेंगे कि कौन ज़्यादा मूर्ख है। और सेठ छदामी लाल ने अपने नौकर मुंगेरी को इशारे से बुलाया। मुंगेरी सेठ जी की सेवा में हाजिर हो गया। सेठ छदामी लाल ने कहा, मुंगेरी मेरी दुकान पर जाकर देख कर आ कि मैं वहाँ पर हूँ कि नहीं, और हाँ ज़रा जल्दी आना। इतना सुनते ही मुंगेरी दौड़कर सेठ जी को देखने चला गया। उसके जाते ही सेठ छदामी लाल खिलखिलाकर हंस पड़े और हंसते हंसते बोले, देखा है ना महामूर्ख, मैं तो यहाँ बैठा हूँ फिर भी वह मुझे देखने मेरी दुकान पर गया है। सेठ हजारी लाल ने स्वीकार कर लिया कि सेठ छदामी लाल का नौकर मुंगेरी महामूर्ख है और भोला केवल मूर्ख है। उधर दोनों नौकर एक चौराहे पर मिल गए। दोनों एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए राम राम करके भोला बोला, भैया मुंगेरी यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ भैया भोला, पहले तुम बताओ कि कहाँ जा रहे हो? अरे का बताएं भैया जी, हमारे सेठ एकदम मूर्ख हैं, हमको 10 का नोट पकड़ा कर कहते हैं कि जाओ बाजार से मोबाइल लेके आओ। अब तुम ही बताओ भैया मुंगेरी की, आज रविवार को बाजार खुलता है क्या? अगर खुलता तो हम 10 रुपये में 4 मोबाइल ले आते, भोला झल्ला कर बोला। अरे क्या बताएं भोला भैया कि हमारा सेठ कितना बुड़बक है, हमसे कहा कि जाओ देख कर आओ कि सेठ जी अपनी दुकान पर बैठे हैं कि नहीं। अब इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा इस दुनिया में? एक फ़ोन घुमाकर दुनिया से पूछ भी तो सकता था कि वह वहाँ पर है या नहीं, हमें इतनी दूर भेजने की क्या ज़रूरत थी। मगर सेठ मूर्ख ठहरा तो कैसे पूछता। सही कह रहे हो भैया, तुम्हारा सेठ हमारे सेठ से ज़्यादा मूर्ख है। दोनों नौकर वापस आ गए। भोला सेठ हजारी लाल से बोला, आज रविवार है सेठ जी, इसलिए बाजार बंद है, कहो तो कल ले आऊँ। नहीं रहने दो, मैं ही ले आऊँगा, सेठ हजारी लाल ने कहा और 10 का नोट वापस ले लिया। इतने में मुंगेरी भी आ गया और कहने लगा, सेठ जी मैं आपकी दुकान पर गया था मगर वहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए मैं आपके बारे में किससे पूछता कि आप वहाँ हैं या नहीं। जब आप दुकान चले जाओ तो मुझे बता देना, फिर मैं आपसे पूछकर आपको बता दूंगा। मुंगेरी सिर झुकाए बोला, ठीक है तू जा, सेठ छदामी लाल ने कहा। उन दोनों के जाने के बाद दोनों सेठ ठठाकर हंस पड़े। अब आप लोग बताएं कि इनमें सबसे बड़ा मूर्ख कौन है और क्यों।